आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है डायरेक्ट हो रही है गाड़ी से, क्योंकि मैं और आशिमा आए हैं सामान लेने पुलिस कैंटीन छोटा शिमला, और दीदी और बुआ भी है साथ में, वो चले गए नीचे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो आदमी को अलाउड करते हैं। तो हम लोग बैठे गाड़ी पर, उनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान था लेने के लिए घर का, वो लेंगे और फिर निकलेंगे घर को, क्योंकि उसके बाद हमारे को जाना है मॉल। तो आज मैं और आशिमा जा रहे हैं डेट पर, ऑफिशियल डेट पर जा रहे हैं हम दोनों। तो पहली बार कौन सी बार? पहली बार गाइस, ये झूठे हम काफी बार पहले भी जा चुके हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे है सेंट्रल पुलिस सब्सिडायरी कैंटीन। तो ये हम छोटे शिमला में आए, यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर है PHQ। तो सामान लेने आए थे। और गाइस एक बात और यार, मेरे ना 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी करवा दो यार, सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो गाइस निकल चुके हम घर से, ये हमारी धर्मपत्नी जी। कैसा लग रहा है आज आपको मेरे साथ घूम के? बकवास। देखो जी, बहुत बकवास, तभी मैं इनको नहीं ले जाता है ना। हाँ। गाइस घर के नीचे खड़े हैं, लिफ्ट किए वेट कर रहे हैं, अब तक कोई लिफ्ट नहीं आई है। टैक्सी आती है अभी 1:30 पे, अगर वो फुल हुई तो फिर वो पैदल ही जाना पड़ा। गाइस पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने सोचा कि पैदल ही चलना ठीक रहेगा, क्योंकि इस टाइम ना टैक्सी आ रही है और ना कोई लिफ्ट आ रही है। नहीं तो वैसे भी यहाँ पे गाड़ियाँ चली रहती है, लेकिन सारी गाड़ियाँ ऊपर से आ रही है देखो, और हमने इधर से जाना और यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। किस्मत भी ऐसी है गाइस, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ऊपर से धूप, और ये भी थक गए हैं। थक गए नहीं लग रहा मेरे को? मैं तो थक गया हूँ भाई, अब धीरे धीरे थोड़ा पेट अंदर जाने लग गया है भाई, क्योंकि जिम जा रहा हूँ ना। तभी आपको पैदल चलने को बोलते हैं गाइस। कुछ जगह पे तो पैदल ठीक रहता है, पर हर जगह पैदल जाएंगे तो एनर्जी बचेगी नहीं फिर शरीर। एक्सक्यूजेस नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, एक्सक्यूज क्यों दे रहा मैंने, ये तो आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ गाइस। ये देखो यहाँ पे भी काम शुरू हो गया चढ़ाई का, ये यहाँ से बैठ रही है देखो। अब ये चढ़ाई कवर करते हुए जाएंगे हम मॉल, और आज पार्टी है आशिमा की तरफ से। गाइस पहुंच चुके हम लोग बाबा मार्केट, और जो पैदल चलने की स्कीम थी ना, ये आशिमा की थी। मैं तो लिफ्ट का वेट करता था, इनको थी कि पैदल चलो, और अब ये थक गए बहुत बुरी तरह से। ये देखो हाल, थक गए किस वजह से पैदल आने का। गाइस पहुंच चुके हम लोग कालीबाड़ी, ये देखो थके हारे हम लोग। इधर देखो आशिमा के बुरे हाल, इन्हीं की वजह से हम पैदल आए, नहीं तो मैं तो बोल रहा था कि टैक्सी में चलते हैं। पेट तो वैसे भी कम हो रहा है क्योंकि जिम जा रहे हैं ना। कैसे होता है चलने से पेट कम होता है? तो वैसे बताना चलने से पेट कम होता है, नहीं तो मैं जिम में तो डेली चल रहा हूँ ट्रेडमिल पे। गाइस अभी पहुँच चुके हम लोग फेमस कैंडल पॉइंट पे, और ये देखो पीछे झरना, और ये मैडम थकी हारी, और इन्हीं का प्लान था पैदल आने का, और अब फट गए और अब बैठने को बोल रहे। देखो हाल देखो, चलो झरने के नीचे नहा लेते हैं। गाइस जो पेट कम करने वाली बात थी ना, वो इनका पेट कम करने की बात थी। मेरा नहीं था इनका पेट कम करने की बात। देखो दिख रही है हड्डी, ऐसे तो मेरी भी हड्डी। थोड़ी देर बैठते फिर कुछ खाते पीते हैं। खाना कुछ भूख लग रही? पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर खाते हैं कुछ। काफ़ी देर घूमने के बाद गाइस भूख लग गया है, और हम जा रहे हैं अल्फा खाना खाने। क्या डिसाइड किया? डिसाइड क्या किया? तो किसने किया गाइस? इनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा यार। चलो डिसाइड। मैं आशिमा को देखा था गाइस ब्लॉग बनाने को, पर ये शर्मा रहे हैं, बोले मेरे से बोल रहा ही नहीं जाता। भूख लग रही है, ये खा लो प्याज खा लो खा जाओ फिर किसका वेट हो रहा है। गाइस इसके बाद हम जाएंगे गोलगप्पे खाने। ओहो बहुत भूख लग रही है भाई, खिला देते हैं। तो गाइस इनका पेट बाहर आ रहा था, मेरा नहीं आ रहा, लग गया ना पता भूख किसको लग रही है। ये देखो गाइस बुखड़ आते ही टूट पड़े खाने में। कैसा बना?
अभी तो एपिटाइजर्स ही आए हैं, इसके बाद आएगा अपना मेन लंच, खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो नवाबी हाथ धोने के लिए टेबल पे चाहिए मैडम को। तो कैसा लगा आपको खाना? और भुखड़ है भाई, मैं कब का फ्री हो गया और अब फ्री हो रहे हैं देखो। चलो अब चले घूमने। अब इसके बाद गाइस और क्या खाना है? अब इसके बाद गोलगप्पे। गाइस दिखाता हूँ आपको फेमस गोलगप्पे टका बेंच वाले। गाइस सच बोलते हैं ना, लड़कियों के पास टाइम की कोई वो नहीं होती कदर। पिछले 15 मिनट से मैडम लिपस्टिक लगाने गए, अब तक नहीं आई है। देखो वॉशरूम गए, मैं 15 मिनट हो गए यहाँ खड़े खड़े और अभी तक नहीं आए। 5000 साल के बाद मैडम आ गई है। भाई इतना टाइम लगाते हैं ना तैयार होते हुए, भाई इतना टाइम लगाने, कम से कम 2 घंटे और अब वॉशरूम में आधा घंटा। कौन से स्कूल की ड्रेस है? गाइस ये देखिए शिमला की ब्यूटी, यहाँ से कौन सी वाली कुर्ता पजामा, ये तो फंक्शन के लिए। और इनको पता नहीं क्या थकावट हो रही, फिर रोक दिया यहाँ पे, बार बार बैठ रहे हैं। अब बोल रहे ज़्यादा खा लिया, अभी तक खाया नहीं था तब बैठा ना, अब खा लिया अब फिर बैठ रहे, क्यों ऐसा क्यों? खाने का बोझ भी तो होता है। अरे भगवान प्रभु, हम सिर्फ मदर चॉइस, सॉरी मदर चॉइस नहीं, जश्न से यहाँ आया फिर बैठ गए। ये देखो इनके हाल, फिर बोलते मेरा पेट भर है। गाइस इसे बोलते हैं यहाँ पे टका बेंच, यहाँ से सारा मॉल दिखता है, मॉल नहीं सॉरी रिज दिखता है। पर आजकल पता नहीं क्या फंक्शन चला है। ये देखो ये अपना इंडिया का फ्लैग अभी उड़ नहीं रहा है, और ये भुखड़, मेरे को नहीं पता मेरी वाइफ इतना खाना खाती है भाई कभी कभी। चलिए फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। गाइस काफ़ी घूमने के बाद टका बेंच पहुँच चुके हैं, और ये देखो भुखड़ खाना खा के आए थोड़ी देर पहले, पर चल चल के सब कुछ हजम हो गया। और ये टका बेंच यहाँ पे मॉल के साथ ही है, और मैं तो नहीं खा रहा, मेरे को भूख नहीं है, ये खाना ठीक है। ये देखो ये टेस्ट कर ही लेता हूँ मैं भी, सही ना? आप भाई बहुत टेस्टी है। यहाँ पे कोई फंक्शन जैसा चला है मॉल पे, ये देखो कोई कॉलेज वालों का कोई फंक्शन है। ये चेक करो अपने जीजा जी लड़कियाँ ताल रहे, ये देखो लड़कियाँ जा रही है और लड़कियों को देख खुश हो रहे भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो गाइस यहाँ खुला है द फूड स्ट्रीट, अब यहाँ पे जाके कुछ ट्राई करते हैं खाना कुछ। चलो गाइस ट्राई करते हैं कुछ। गाइस हमने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफ़ी अभी हम कोस्टा कॉफ़ी में, और ये मॉल रोड, ये अपनी एमसी की बिल्डिंग है ना उसमें खुला है, कोस्टा कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा हट है और केएफसी। अब और खाना है कुछ? चिकन। गाइस अभी आ रही है अपनी कोल्ड कॉफ़ी, और काफ़ी अच्छा सेटअप खोला है यहाँ पे ना, किसी को भी आना हो तो यहाँ पे आके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खुली है, प्लीज़ ट्राई जरूर करना। कोस्टा कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा हट और केएफसी। तो गाइस यहाँ से देखिए शिमला का व्यू, यहाँ पे कुछ पार्किंग जैसी है, भारत माता की चले, भारत माता की पालकी नहीं है वो फिर क्या की है। गाइस हम लोग चला रहे हैं अब घर को, और यहाँ पे हमारे को मिल गई लिफ्ट, और ये मैडम थक हारी बिली, थक गए बहुत हैं बहुत, और हमारी किस्मत अच्छी की हमारे को लिफ्ट मिल गई, हम इस गाड़ी में घर जाएंगे। और इसके बाद मैं जाऊंगा जिम, और मिलते हैं आपसे अब सीधा जिम में। कौन सी जाना जिम, बाइक पे आया था इसलिए शूट नहीं कर पाया, और आज मैं मार रहा हूँ चेस्ट। ये सुमित अभी थोड़ा वॉक करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा थक चुका, और आज पार्टनर भी है भानु,
बाद में मारो चेस्ट और ट्राइसेप्स, और पंप चेक आउट करो ट्राइसेप्स के बाद। गाइस थोड़ी देर कार्डियो, 10 मिनट कार्डियो करूँगा फिर उसके बाद जाऊँगा। और ये चले अपने गाने गाइस, हो गया अपना वर्कआउट ख़त्म। अब 5 मिनट रेस्ट लूँगा फिर निकलेंगे, क्योंकि बाइक पे जाना है और बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है, थोड़ा वेट करते फिर निकलेंगे। गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ घर, इसके बाद चेंज वगैरह करके फिर करेंगे रेस्ट, उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे और डिनर करेंगे। और आज यार काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चले हैं, और उसके बाद सीधा जिम चला गया था और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट रहा, तो अब थक चुका हूँ। तो चलिए फिर इसके साथ करते हैं इसी वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिस किसी को भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।